अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। असल टुकड़े टुकड़े गैंग वो लोग हैं जो हमें जाति में, हमें वर्ग में, हमें वर्ण में बांटने की रवायत जारी रखे हुए हैं। हम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। आगे बढ़ाएगी। और आज हमको खास तौर पर अपना इतिहास याद करने की
हर जगह बस हमला करते हैं, अलग अलग काले कानून लेकर के आते हैं ये लोग, CANRC। क्या सोचते हैं ये, जो चाहेंगे वो करेंगे और हम लोग चुप रहेंगे। इनका असल मंशा ये होता है कि ये हमें तोड़ दे। पर साथ ही हमें बस इतना याद रखना है कि हम अगर हम टूटेंगे तो ये मजबूत होंगे, और इसीलिए हमें तोड़ना चाहते हैं। हमें टूटना नहीं है, हमें एकजुट रहना है। आपने देखा होगा लॉकडाउन रातों रात हीरो की तरह एंट्री मारते हैं 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री और कहते हैं देश में लॉकडाउन होगा, और तनिक से लाज शर्म नहीं है, ये नहीं सोचते हैं कि वो मजदूर गरीब गुरबा क्या करेगा जो दिन में दिहाड़ी कमाता है, यहाँ पर दिहाड़ी कमाता है 30 रुपए 50 रुपए, वो घर कैसे जाएगा। आपको सीन भूले नहीं होंगे जब इतने मजदूर पैदल अपने घर की ओर जा रहे होंगे, पैरों में छाले पड़े हुए हैं और ये लोग एसी के रूम से नजारा ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं और लस्सियां पी रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब मजदूर भाई पेट में गमछा बांध करके भूखे पेट 1400-1500 किलोमीटर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे देश के लोग मजबूत है। आपको शर्म आना चाहिए, मजबूत नहीं है, मजबूर है, और मजबूरी आपके वजह से है, आपने हमें मजबूर बना। इसलिए हमें एकजुट होना है, संगठित होना है, और जो शिक्षा की लौ फातिमा शेख ने जलाई, सावित्री बाई ने जलाई, ज्योतिबा फूले ने जलाई, उसे हमें आगे ले जाना है। जिस संविधान को बाबा साहब ने इतने जद्दोजहद के साथ तैयार किया, हमारे लिए इतने कानून बनाए, उसे हमें समझना है, अपने अधिकारों को समझना है। अगर आप अपने हक को नहीं समझेंगे तब वो आपको खत्म कर देंगे। आजकल आप देख रहे होंगे वो 90 का दौर नहीं है, जब ये कुछ गलत करते थे तो लालू जी जैसे लोग, मुलायम सिंह जैसे लोग, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल सब खड़े हो जाते थे इनसे लड़ने के लिए, पूरी दिल्ली को घेर लिया जाता था। लेकिन आज का तबका सोया हुआ कम मटिया दिया है ज्यादा, सोया हुआ को तो आप जगा नहीं देते, तो मटियाया हुआ उसको आप कैसे समझेंगे। लेकिन फिर भी एक एक व्यक्ति ही समाज में बदलाव ला सकता है, क्योंकि समाज एक व्यक्ति से ही तो बनता है, एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष, हर लोग जितने समाज में मौजूद हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों को समझाएंगे तुम्हारे हक हुकूक क्या है, तो क्या वो नहीं समझेंगे हम मूर्ख नहीं है। वो साबित करते कि वो मेरिटधारी है, मूर्ख है, वो हमको वहां पहुंचने ही नहीं दिए तो मेरिट का बात क्या कर रहे हैं। फिर 10% डब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले लिया, मेरिट नहीं समझ में आता है, और ये हमसे कागज पत्र मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास तो खुद का डिग्री नहीं है, वो हम कागज पत्र मांगने का क्या अधिकार रखते हैं। इसलिए बस इतना हम कहना चाहेंगे कि अपने समाज को फोकस करना है जड़ों पर, कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम उस जड़ से जुड़े हुए जब तक नहीं रहेंगे, जब तक संगठित नहीं रहेंगे, हम बहुजन तबका जब तक संगठित नहीं रहेंगे हमें तोड़ते रहेंगे। इसलिए मैं जगदेव बाबू के कोट के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धर धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, और ये भाग हमें छीन कर लेना होगा, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता है साथी, बस छीन कर ही अपना हक हम ले पाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद, की तरफ से बैठा।